नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीप शिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक अहम खबर के साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस समय कुरुक्षेत्र में चल रहा है और कुरुक्षेत्र पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विधिवत रूप से यहां पर गीता जयंती की शुरुआत, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साथ में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र पहुंची और काफी बड़ा दिन है, काफी खास दिन है। हरियाणा के राज्यपाल भी साथ में मौजूद है, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साथ में मौजूद है, तो ये सीधी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, साथ ही हरियाणा के राज्यपाल और इसके साथ ही गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज भी यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जिसकी खासियत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो दिवसीय दौरा है राष्ट्रपति का हरियाणा का, और ऐसे में सबसे पहले गीता जयंती के इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंची हैं। तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां भी मुकम्मल की जा चुकी है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022, और सीएम मनोहर लाल भी यहां पर मौजूद हैं, साथ ही जो हरियाणा के राज्यपाल हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो वो भी चाक चौबंद हैं। ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। बात अगर करें कुरुक्षेत्र की और साथ ही खासतौर से बात अगर करें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की, तो लगातार ये प्रयास किया गया है कि जो गीता का बखान है एक बार फिर से वो दुनिया तक पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ। और इसी को लेकर कुरुक्षेत्र एक वो धरती जहां से श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान में यहां पर ये गीता महोत्सव ज्ञानमयी होता नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम मनोहर लाल यहां पर मौजूद हैं राष्ट्रपति के साथ, साथ ही हरियाणा के राज्यपाल भी यहां पर मौजूद हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, तो देखिए जिस तरीके से यहां पर गीता महोत्सव को लेकर तैयारियां थी, राष्ट्रपति का आगमन यहां पर हुआ, वाकई आज के लिए बहुत खास दिन ये रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की अगर बात करें तो। बिल्कुल, देखिये कहीं ना कहीं जो है बेहद खास और अहम दिन है, राष्ट्रपति महोदय का आगमन हुआ है और जो गीता जयंती का विधिवत आगाज आज से जो है किया गया है। ब्रह्म सरोवर पर जो है राष्ट्रपति महोदय ने जो है पूजा अर्चना की है, सरोवर की पूजा अर्चना की है, तीर्थ की पूजा अर्चना की है। इसके अलावा अब जो गीता जयंती को लेकर एक यज्ञ किया जा रहा था, तो उस यज्ञ में जो है राष्ट्रपति महोदय जो है पूर्णाहुति देंगे। उनके साथ यदि गणमान्य अतिथियों की यदि बात की जाए तो उनके साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उसके अलावा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद व अनेक गणमान्य संत और जो नगर की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, ये तमाम लोग जो है इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने हैं। बिल्कुल, और ऐतिहासिक पल ये यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ ही जहाँ पर आज राष्ट्रपति हरियाणा पधारी हैं, ऐसे में हरियाणा को भी बड़ी सौगात मिली है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा को जो है कुछ बड़ी सौगातें मिलनी है इस कार्यक्रम के बाद। जो हरियाणा पवेलियन का लोकार्पण किया जाएगा, मध्य प्रदेश की पवेलियन बनी है उसका भी जो उसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। एक शिल्प कला पार्क बनाया गया है जहां की 31 शिल्पकारों ने जो गत वर्ष गीता जयंती में अपनी प्रतिमाओं को मूर्त रूप दिया था, तो उन्हें उनका भी आज उद्घाटन किया जाएगा। इसके उपरांत राष्ट्रपति महोदय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार जो होना है वहां पर जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में भाषण देंगी, उद्बोधन देंगी। और जो तीन बड़ी सौगातें जो आज हरियाणा को मिलनी है, उन तीन बड़ी सौगातों का भी लोकार्पण किया जाएगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही राजीव इस समय हम जानना चाहेंगे आम जनता में कितनी उत्सुकता देखी जा रही है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि पहले हम जान रहे हैं कि काफी ज्यादा जो भीड़ है यहाँ पर पहुंच रही है, तो ऐसे में आज क्या कुछ खास तैयारियां प्रबंधन की ओर से? देखिए जिस तरह से जो सरस मेला और क्राफ्ट मेला 19 नवम्बर से शुरू किया गया है उसमें जो है भीड़ उमड़ रही है, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति का कार्यक्रम है और राष्ट्रपति ने जो जिस तरह से गीता जयंती का उद्घाटन किया है, तो उसमें जो प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जो है सीमित और चुनिंदा जो जिन लोगों के पास निमंत्रण कार्ड थे उन्हें ही बाकायदा एंट्री दी गई है। और व्यवस्थाओं की यदि बात की जाए तो पुख्ता पुलिस व्यवस्था की गई है, 9 SP जो है
वो जगह जगह जो है उनको तैनात किया गया। इसके अलावा 28 डीएसपी और 4000 पुलिस के जवान जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है, नाके किए गए हैं, रूट्स जो है अलग से बकायदा बनाए गए हैं ताकि राष्ट्रपति के आगमन में किसी भी तरह का ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो। बिल्कुल राजीव, देखिए अभी क्योंकि यहाँ से राष्ट्रपति जिस तरीके से यहाँ से गई हैं तो इसके बाद क्या कुछ उनके प्रस्तावित जो कार्य हैं यहाँ पर वो रहने वाले हैं ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति महोदय का अभी कुछ देर पहले आगमन हुआ है, उन्होंने जो सरोवर की पूजा अर्चना की है और गीता को लेकर जो एक गीता यज्ञ हो रहा है उसमें जो है वो पूर्णाहुति डालेंगी। उसके बाद वो हरियाणा पवेलियन का, मध्य प्रदेश पवेलियन का इनका उद्घाटन करेंगी और एक तो शिल्प कला उद्यान बनाया गया है उसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके उपरांत महोदय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जाएंगी और वहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो गीता पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होना है जी। जो हरियाणा के लिए आज 3 बड़ी सौगातें हैं, ई टिकटिंग, सिरसा में मेडिकल कॉलेज और हरगढ़ स्वास्थ्य, ये इनका लोकार्पण भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से किया जाएगा। बिल्कुल, इसके साथ ही ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि आज बड़ा दिन है कुरुक्षेत्र वासियों के लिए भी, तो क्या यहाँ पर कुछ जो नीतिगत बदलाव है वो भी हमें देखने को मिलेंगे, चाहे बात ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर की जाए या फिर बाकी व्यवस्थाओं को लेकर की जाए? राष्ट्रपति महोदय के आगमन को लेकर जो जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था की गई है, रूट्स जो है वो निर्धारित किए, जिन रूट से जो वीवीआईपी मूवमेंट होनी है वहां पर जो है किसी को अनुमति नहीं है। उसके अलावा जो दूसरे रूट हैं वो बनाए गए हैं और उन रूट से जो ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से की गई। बिल्कुल, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में क्या कुछ खास चीजें हैं जिनका अवलोकन राष्ट्रपति की ओर से किया जाएगा? राजीव, राजीव आवाज सुन रहे हैं आप? तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि देखिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल भी यहां पर मौजूद हैं। आज एक बड़ा दिन ये रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की अगर हम बात करें, क्योंकि राष्ट्रपति खुद यहां पर पहुंची है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंची है और उनके आगमन से पहले लगातार तमाम तैयारियां जो है प्रशासन की ओर से वो की जा रही थी, चाहे बात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की जाए। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जहां पर एक तरफ लोगों की खासी भीड़ भी आपको दिखाई दे रही थी और उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और साथ ही एक रणनीति के तहत उसकी भी एक रूपरेखा जो यहां पर है वो बनाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना हो। आप अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती आपको दिख जाएगी। खासतौर से बात अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की जाए तो यहां पर जिस तरीके से जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था कुरुक्षेत्र की धरती से, उसी गीता के ज्ञान को और प्रसिद्धि के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है और इसी के चलते जहां आज भी इस तरीके से यहां पर राष्ट्रपति पहुंची हैं और साथ ही एक कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये काफी खास पल है। इस बार सीएम मनोहर लाल भी यहां पर मौजूद हैं।